Let's do it. Get on down here, boy. Let's do it. Yeah, you got to go. Let's do it. Come on. हाँ चलते चलते, देखो बेटा चलते ना, देखो अंकल जी बता रहे हैं। हाँ 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 चलते चलते बेटा, बेटा देखो बात करें ना, पापा बात करें, इस गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में बताइए। हाँ सर, आप बेटा बच्चा एक बार चुप हो जाए तो मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्टर गिल, बेटे ये गाड़ी आपके लिए, ले बेटे। मिस्टर गिल, वरुण बत्रा सी राव, मैं अपने ऑफिस से ऑब्जर्व कर रहा था एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपके बच्चे को हमारी ये गाड़ी पसंद नहीं है, बिकॉज इवन आई थिंक कि ये गाड़ी आपके परिवार को सूट नहीं करे। आकाश तुम घर जाओ, आइए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। The Volkswagen Tiguan, a car that oozes perfection from every angle. आपको सारे फीचर्स और इंजन्स के बारे में बता के मैं बोर नहीं करूंगा, but yes, sunroof and drive mode selector make this a sporty SUV, a perfect combination for your family's journey, sir. वैसे ये सब कस्टमर्स को एक्सप्लेन करना मेरा काम नहीं है, but मैंने आपको जब देखा है, honestly, आपको किसी और गाड़ी से उतरते मैं इमेजिन नहीं कर सकता। देखिए, you can have a look. लेकिन यार आज करियर में पहली बार एक 1.5 फुट के इंसान ने डील खराब कर दी। नहीं चाहिए। अबे इतना कोई डरता है क्या अपने बीवी बच्चों से? दीपू का बर्थडे। अबे तेरी बीवी है, तेरे को मालूम, हमने क्या पता? डार्लिंग आज सॉरी कस्टमर के साथ, हाँ नहीं आज 12 जनवरी क्यों? और 12 जनवरी को हमें क्या करना था? 12 जनवरी को हमें आई एम ओव्यूलेटिंग वरुण, मैंने कैलेंडर बना के तुम्हारे वार्डरोब के ऊपर लगाया था, उस पे क्लियरली लिखा है कि 12 जनवरी को हमें बच्चे के लिए ट्राई करना है। वो डालेंगे यहाँ पर बहुत काम था तो नेक्स्ट वीक काफी डिलीवरीज भी देनी है। इनवॉइस रेडी करो, एक काम करो, तुम अपने कस्टमर्स को ही बोल दो कि तुम्हें बच्चा करके दे, ये वाली डिलीवरी ना तुम उनसे करवा दे। लिसन कैफरी वरुण, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे की शक्ल तुमसे मिले तो आधे घंटे में आ जाना। क्या कह रही थी भाभी? She is over acting कर रही थी। और इधर लाया तू? हाँ वारी खड़ा है। ठीक है, I'll see you later. Bye. अबे यार, अरे जियो मेरी तरह और खत्म करो नाटक नाटक। अबे यार क्यों डाउट कर रहे और चेक करे ताकत ताकत रहे, कैसे बताओ या समझाओ, मन नहीं करता कैसे उठाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे, रे कैसे मिलाओ। अभी तो जीना शुरू किया है, खाना पीना शुरू किया है, साथ मेरे यार मेरे करते हैं प्यार, अभी टकीला शुरू किया है। मुझको ना चाहिए अभी चेंज, मुझको तो चाहिए अभी रेंज, सिटी बजे जैसे कोई प्रेशर कुकर, मैं कहूँ नो देन व्हाट इज स्ट्रेंज, कोई कहे गुड न्यूज हो तो माय व्यूज, मुझको करना है प्रॉपर टाइम यूज, मुझको करना है जो भी मेरे मन में। I just wanna go wild and loose, wild and wild and wild and loose, I just wanna go wild and loose, wild and wild and wild and loose, I just wanna go wild and loose.
बाकी कपड़े कहाँ तुम्हारे? पार्टी आई मुझे। तुम ड्रिंक करके आए हो और स्मोक भी किया है। वो कुछ दोस्त आए थे तो रूट बियर पी रहा था। मुझसे झूठ बोल के तुम दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे वरुण, जबकि तुम्हें पता है कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू बी सो इरेस्पॉन्सिबल? क्या तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का स्पर्म काउंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एक ड्रैग मारा था, अगर एक ड्रैग मारने से स्पर्म काउंट वीक हो सकते हैं तो लानत है ऐसे स्पर्म पर। स्पर्म की बात नहीं है, प्रॉमिस की बात है। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं करता फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने का? बट आई नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी तो मैच्योरिटी दिखाया करो यार। तुमने तो बड़ी मैच्योरिटी दिखा रखी है। डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था कि अपने स्लीप पैटर्न का ध्यान रखो? कल रात को 3:30 बजे तक बेबीज डे आउट कौन देख रहा था? मैं? बड़ी मैच्योरिटी दिखाई तुमने। वो इसलिए क्योंकि ऋचा ने बताया था कि क्यूट बच्चे देखने से मूड अच्छा होता है और उसकी वजह से अपने बच्चे की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। I can't believe it. तुम एक सीनियर जर्नलिस्ट, वो एक लॉयर, ऐसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, काम करो, अकेले बैठ के ना क्यूट बच्चे घूरती रहा करो, देखो शायद उससे प्रेग्नेंट हो जाओ। तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफकोर्स चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाते हो ऐसा लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के ले जा रहा हूँ। इतना प्रेशर क्रिएट कर रखा है, इतने प्रेशर में तो वीडियो गेम ठीक से नहीं खेला जाएगा, बच्चा क्या खाक पैदा करूंगा। पॉटी नहीं आ रही है? मेरी पॉटी है, मैं अंदर रखूंगा, तुम्हें इससे क्या? I want a kid so bad. क्या नो, मैं कुछ ज्यादा ही प्रेशर देने लगी हूँ। I'm sorry, baby. I'm sorry too. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, चांद पे जा रही हो? इससे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते। चांसेस मुझे तुम्हारे मेंटल बैलेंस खोने के ज्यादा लगते हैं। पर मैं अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा। मुझसे झूठ बोल के तुम अपने दोस्तों के साथ कैसे ड्रिंक करने जा सकते हो वरुण? थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझसे सॉरी कहा था, अब फिर शुरू हो गई हो। सॉरी तो तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए, मैंने तो बस ऐसे ही बोला क्योंकि तुम नखरे करते थे। ऐसे ही मैं अपनी फर्टाइल डेज वेस्ट नहीं कर सकती। अब तक झूठी सॉरी बोली थी? चलो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हमें फिर करना है। फिर करना? फिर क्या करना है? क्या किया हमने अभी? यार दीपू, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता? मैं अंदर से सूख चुका हूँ, सिर्फ धुआं निकल रहा है। मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर, मैं, 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 मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता वरुण। मैं थैंक यू, सॉरी मैं तुम्हें इतना फोर्स करती हूँ, पर इट्स सो इम्पोर्टेंट। और इस बार ना बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आई कैन जस्ट फील इट। देखो इटांगे नीचे कर लो प्लीज, ये योगा ना करो कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, मतलब I was just faking it. सिर्फ जोर जोर से चीख रहा था बस। You guys can fake it too? तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? सिर्फ टेढ़े मेढ़े मुंह ही तो बनाने होते हैं। शिबू, यार नहीं, नहीं हो सकता ना मुझसे, बस मैं नहीं कर सकता। मैं इससे ज्यादा जोर लगाऊंगा हर्निया हो जाएगा। अब क्या कर रही हो? पानी पियोगी? दीपू ये क्या कर रही हो? दीपू मैं पास होऊंगा सोफे पे। ओ भाई साहब,
थोड़ा और धीरे चलाएंगे, हमें उल्टा जाना है। यार तेज चला लो यार, देख लेना फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम्हें हो क्या गया है? 2 साल पहले तक तो तुम्हारी फटती थी बच्चों से, अब तो तुम भी तो बिजी थे अपनी करियर को लेकर। मैं एम्बिशियस नहीं हो सकती, हद है। पैदा मुझे करना है, करियर की मेरी लग जाएगी तो मैं क्या। आज सुबह सुबह तुम फिर शुरू हो गए, ना चाय ना पानी ना नाश्ता। बेबी लेट्स ट्राई अगेन। अगर आज तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो ना, तो बच्चे को बताना पड़ेगा कि पापा ने उन्हें भूखे पेट पैदा किया। I'm ovulating वरुण। अरे पर शाम को घर पे फंक्शन है, तुम्हें अकल होनी चाहिए यार। फ्लाइट पकड़नी है, मम्मी कॉल कर करके पागल हो रही है, मैसेज में मैसेज दिए जा रही है। आज ही का दिन मिला था तुम्हें। I'm sorry, मैं ना अपने ओवरीज को समझा देती हूँ कि फैमिली फंक्शंस के दिन एग्स न रिलीज किया करें। जब मर्जी करे, पर तुम मुझसे क्यों मेहनत करवाने लगती हो? सर सर सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड पीरियड के लगभग 14 दिन पहले होता है, एंड सर फीमेल्स तभी कंसीव कर सकती हैं। हमारा क्या सर, हम तो रोज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डेट नोट करके उस दिन ट्राई करना जरूरी है। मुझसे पूछे सर, मेरे बच्चे टिया एंड आर्यन। और ले लो उबर, डॉक्टर रख रखे इन्होंने गाड़ी चलाने के लिए। बेबी और सजना कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत बंद कर दिया है। अब आप शौचालय और अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी हेल्प यू। इट्स फाइन। एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज? श्योर। द ब्राउन वन। Thank you. I'm really sorry, I have to ask. आप फॉर एंटरटेनमेंट मैगजीन 60 mm में कॉलम लिखते हैं राइट? दीप्ति पत्रा। या मुझे लगा सिर्फ मैं ही पढ़ती हूँ। No, not at all. मैं जब भी आपका कॉलम पढ़ता हूँ, I thank God कि मैं अनपढ़ नहीं। But do you mind a selfie? Sure. Excuse me, you're photobombing us. Thanks. Thank you. Thank you. My Insta's gonna go off the hook. Excuse me. Aap yahan baith. No, we're fine, thank you. She's my wife. Toh phir aap meri seat pe baith jao. Excuse me. What are you doing? लगता है मैडम बहुत नाराज हैं। होता है, उन्होंने जरूर आपसे कुछ मांगा होगा और आपने दिया नहीं होगा। मैं कुछ मदद करूं? अच्छा। आप सेल्फी लीजिए अपनी। तुम सही कह रही थी, दिल्ली में रिश्तेदारों के बीच हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब जो भी कुछ करना है फ्लाइट के लैंड होने से पहले करना है। My wife is ovulating. क्या हुआ दीपू? वैसी फीलिंग आ रही है जो क्रिकेट टीम को आती होगी जब इंडिया वापस आते बिना ट्रॉफी जीते। क्या मतलब? एक बार फिर बिना गुड न्यूज के आ गए तुम्हारे पेरेंट्स के घर। चिंता मत कर, मेरे पेरेंट्स को पता तू विराट कोहली है, एक ना एक दिन ट्रॉफी ले ही आएगी। चलो। विराट कोहली के पास 10 और है परफॉर्म करने के लिए, मेरे पास तो सिर्फ तुम ही हो ना। तो कोशिश कर तो रहा हूँ। आ गए मुंबई वाले। आओ जी खुश रहो, दूधो नाओ, पूतो पलो।
पापा कहाँ? पापा मूंगफली और रेवड़ी लेने गए हैं। अच्छा तुसी इस तरह करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, 5 बजे फिर निकलना भी है। बेटी वो तेरी स्लिप डिस्क का क्या हाल है? डिस्क नहीं माँ, डिस्क एनु डिस्क के अंदर। ओए पीठ दर्द। ठीक है, कहाँ जा रहे हो आप? हाँ बेटा मैं जरा पार्लर जा रही हूँ। ओके, 5 बजे हम रेडी हो जाएंगे। हाँ 5 बजे रेडी हो जाना, फिर मिलते हैं। ओके ओके। देख कितना प्यारा बच्चा है, पर मुझे ये बताओ इसका नाम भोला राम क्यों रखा? मेरी नानी ने बड़ा फोर्स किया जी ये नाम रखने के लिए। क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम भोला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। वरुण, why do you always have to put your foot in your mouth? I didn't do it deliberately. I didn't even realize it. Now say sorry. Sorry, sorry everyone. चले यार, उल्ला के स्कूल जाते ही मैंने ना उसका नाम बदल लेना है, इससे पहले कि वो पेरेंट्स बदल ले। बधाइयां जी, बधाइयां। हेलो होली दी पहली लोहड़ी दी लख लख बधाइयां हो जी। हेलो शगुन। आंटी होले नहीं भोला। ओ जी होले होला इको ही गल है, दोनों का कुछ मतलब नहीं होता। बाय गॉड जी। अब ये आपकी बॉम्बे वाली भाभी है ना? हाँ जी। मैं एक मिनट मिल के आई। हेलो जी, सत श्री अकाल। पहचाना? हाँ जी ऑफ कोर्स। माय गॉड बहुत ही सोने लग रहे हो। हस्बैंड किथे? ही इज एक्चुअली एट द बार। शादी को कितने साल हो गए? जी 7 साल। 7 साल ते बच्चे? एक्चुअली आई एम रियली बिजी विद माय जॉब। ओ छोड़ो जी ये सब तो कहने की बातें है, यही उम्र है जी, बच्चे सच्चे पैदा कर लो ते दादा नानी नु दे दो, उनको भी इस उम्र में छोटा जन टॉय मिल जाएगा खेडन वास्ते। माय गॉड जी। हाँ जी हाँ जी आंटी। अरे बच्चा नहीं हुआ, मैं तो हैप्पी लोहड़ी बोलने आई थी। सॉरी आंटी, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी आंटी। हैप्पी लोहड़ी। डोंट इवन पे अटेंशन टू दिस। मैं क्या कह रही थी, बच्चा नहीं हो रहा ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। पहाड़गंज में ना एक बाबा जी को जानती हूँ मैं, एक नजर डालते हैं, बाय गॉड सब काम हो जाता है। बोल तो बात करो। आंटी मम्मी जी आपको कब से ढूंढे जा रही हैं, 3 बार आपको फोन कर चुकी हैं, आप फोन नहीं उठा रही हैं। उधर कोने में खड़ी हैं उधर उधर। हाँ मैं वहीं जा रही हूँ। मिलाइए। तूने मुझे बता दिया? चाहे स्वेयर अब किसी बंदे ने मेरे से बच्चे की बात की ना, आई पंच हिम इन द फेस। मैम यू वांट बेबी गर्ल? नो आई डोंट वांट दैट बेबी। क्या हुआ भाभी? वो बेबी कौन बोल रहा था? आई नो बट वी आर सॉरी बेबी। मुंडे कुड़ियों भंगड़ा पाउन नु तैयार हो जाओ। हाय तड़ पावे साडी जान कट जावे, तेरा लाल घगरा। हाय तड़ पावे साडी जान कट जावे, तेरा लाल घगरा। कितना क्यूट लग रहा है होला। मैंने कहा था ना भाभी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं सिर्फ बच्चों के चैनल्स देखती थी,
उसका ये फायदा हुआ है। और विवेक के माता पिता क्या देखते थे? एनिमल प्लैनेट। तू ना अपना गटर ना बंद रखा कर, प्लीज प्लीज। अच्छा भाई वो सब छोड़ो, हमने ना तुम दोनों को एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए बुलाया। मुझे मालूम है तुम्हें क्या बात करनी है। अब बच्चे के लिए ट्राई तो कर ही रहे हैं ना, पर तेरा भाई ट्राई भी ऐसे करता है जैसे एहसान कर रहा हूँ। अब फिर से मत शुरू हो जाना सबके सामने। रिलैक्स भाई, वी आर फैमिली। और हमारे सामने नहीं बोलोगे तो किसके सामने बोलोगे? और भाभी ठीक कह रही है, ट्राई तो करते रहना पड़ेगा। हम लोग दिन में तीन तीन बार ट्राई करते थे। पूछ लो कौन सी पोजीशन ट्राई ने की, मिशनरी, स्पूनिंग, डॉग और वो। बस 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 बस, डिटेल नहीं जाननी बहना, रहन दे यार। मैं ना सही में परेशान हो गया उसके पास। कभी कभी तो खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या हमें सच में बच्चा चाहिए या इसलिए पैदा कर रहे हैं कि सोसाइटी चाहती है कि हम बच्चा पैदा करें। साला ये फेसबुक और ट्विटर खोलो तो सेलिब्रिटीज के बच्चे ही बच्चे। अरे तुमने पैदा कर लिया तो छुपा के रखो ना, हमारी क्यों जला रहे हो, शो ऑफ क्यों कर रहे हो? पर भाई जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब, हाँ हमारा फ्यूचर भी तो बच्चों से जुड़ा है। तो सब कहने की बात है, कौन सा हम टाटा बिरला अंबानी पैदा करने वाले हैं? वही होगा चिंकू मिंकू टिंकू जिसकी नाक साफ करते करते हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, और फिर रिश्तेदार आएंगे, ओले ओले शो स्वीट, फिर वो पॉटी कर देगा, फिर वो बच्चा हमारे हाथ में दे देंगे, कहे इसको साफ करके फिर से लेके आओ, हमें करना फिर ओले 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 ओले। और फिर हम ले जाएंगे उसको, खाना खिलाएंगे, फिर वो पॉटी कर देगा, फिर खाना खिलाएंगे, फिर पॉटी कर देगा, फिर खाना खिलाएंगे, फिर वो हक देगा। सुन सुन, तेरे लिए एक और बियर ले आऊं? नहीं पहले ये तो खत्म करने दे। कौन है ये डॉक्टर जोशी, क्यों मुझे मैसेज करती हो तुम? अरे यार बॉम्बे का टॉप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है भाई, एक बार मिल तो लो, देयर इज नो हार्म। नहीं मिलना मुझे, नहीं मिलना ऐसे गुप्त रोग स्पेशलिस्ट से, नहीं मिलना मुझे। वरुण, व्हिच सेंचुरी डू यू लिव इन? एक मिनट भाभी, वरुण तुझे वो चेरी याद है? वो अनुबुआ की बेटी, बेटी। उसके और उसके हस्बैंड ने ना 5 साल ट्राई किया, 5 साल नहीं हुआ बच्चा। फाइनली वो बॉम्बे जाके डॉक्टर जोशी से मिले, 1 साल बाद गेस व्हाट, दो दो हेल्दी बच्चे लेके वापस आए। 6-6 महीने में 2 बच्चे। यार ट्विंस थे, डियर ट्विंस। तो बोल तो, हाँ ट्विंस थे, ठीक है यार हमारी बात मान लो, डॉक्टर से मिलने में ना कोई शर्म की बात नहीं है। डॉक्टर जोशी इज द बेस्ट भाई। यस, एक बार मिल लो, देयर इज नो हार्म। ठीक है चलते हैं उसके पास। अब तो खुश हो? बड़ी मेहरबानी। कोई बात पे खुश ही नहीं रहती। ये टेस्ट ट्यूब से अंग्रेज बच्चे ही क्यों निकल रहे हैं? इंडियन बच्चे नहीं करता था डॉक्टर? लिसन मिसेस पात्रा, डॉक्टर जोशी विल सी यू नाउ। It's Mr. and Mrs. Batra. Oh, I'm sorry. My bad. Thank you, Miss Poozy. It's Susie. Oh, sorry. My bad. Hello. Please have a seat, Mr. and Mrs. Batra. मैंने आप दोनों की रिपोर्ट्स देखी। टेल मी समथिंग, आपके अपनी वाइफ के साथ रिलेशंस कैसे हैं? अभी झगड़ा चल रहा है लेकिन ठीक है, इट्स ओके। मींस रिलेशंस? ओह यू मीन सेक्स लाइफ? जी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 16 बार। कितने दिनों में? एक महीने में। वेल आई एम श्योर आपको पता होगा कि एक हफ्ते में 16 बार और एक महीने में 2 बार में काफी डिफरेंस है। एनीवे, द रिपोर्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट। आपका एग काउंट काफी तेजी से कम हो रहा है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा तो सब ठीक चल रहा है ना। लेट्स जस्ट से दैट यू हैव अ फ्यू गुड स्विमर्स लेफ्ट। स्विमर्स? ओह स्पर्म्स। ओके मिस्टर बत्रा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी स्विमर्स की क्वालिटी अच्छी है
बट वो इनके यूनिवर्स में एंटर करते ही वो बेहोश हो जाते हैं. क्यों बेहोश क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, आपकी एज में ये बहुत कॉमन है. तो अब दोनों ध्यान से सुनिए, करना ये पड़ेगा कि दीप्ति के एग्स और आपके स्विमर्स को आपकी बॉडी से निकाल के हमारे लैब में फर्टिलाइज करेंगे, वन ऑफ द फाइनेस्ट लैब्स इन इंडिया बाय द वे. और जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, वी विल पुट इट बैक इन योर बॉडी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. परफेक्ट, लेट्स डू इट. पर डॉक्टर, इस प्रोसेस में मुझे ऑफिस से काफी लीव्स लेनी पड़ेगी ना? अगर आप लोग सीरियसली बच्चा चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट दैट यू नो, काम वाम रखो साइड में और बस प्रेगनेंसी पर ध्यान. लेकिन मैं तो काम पे जा सकता हूँ, मतलब आई कैन गो वर्क. ऑफ कोर्स मिस्टर बत्रा, यू कैन वर्क. गुड, ओके, प्लीज हैव अ लुक एट दिस एंड आई विल सी यू इन अ मिनट. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with him? अजीब डॉक्टर ये. पैसे इतने ले रहा है, ऐसा लगता है जैसे फ्लाइट पकड़ के जाएगा, भगवान से बच्चा लाके हमें दे देगा. ये लीगली मैरिड कपल सेक्स बोलने में शर्म आ रही. रिलेशंस कैसे? मुझे तो लगता है अपनी वाइफ से भी ऐसे ही बात करता होगा. डार्लिंग, लेट्स हैव रिलेशंस टुनाइट. शट अप. क्या बकवास कर रहे थे? हफ्ते में 16 बार, बाकी के 14 बार मैं कहाँ थी? मैं नर्वस हो गया था. मुझे आदत है डॉक्टर ये पूछे कि कहाँ दर्द हो रही है, ये पूछ रहा है रिलेशंस कितनी बार कर रहे हो. अब रोज रोज तो मैं ये डिस्कस नहीं करता ना सबसे. वरन, स्टॉप अनोइंग मी. He's a very good doctor, by the way. Look at him, he's a good doctor. So this is where we create life. Wow. All new machines, huh? Absolutely fresh. Dr. Bushi? She's my wife, Dr. Joshi. Oh, okay. Why? Nothing, just... मैं कुछ पूछ सकती हूँ डॉक्टर? अगर मेरी एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए तो हम दोनों एग्स यूज कर सकते हैं. दोनों मतलब? दोनों मतलब किसी यंग लेडी के एग्स को यूज करके तुम्हारे स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे और फिर दीप्ति के अंदर प्लांट कर देंगे. You guys are really stubborn, yeah? Good. कपल्स को पेरेंट्स बनाना भी एक आर्ट होता है. वरना तुम्हें क्या लगता है, जितने सारे सेलिब्रिटीज ओल्ड एज में पेरेंट्स बनते हैं वो अपना स्टारडम यूज करके बच्चा पैदा करते हैं? तो तुमने क्यों नहीं किया? अपने जीन्स को आगे बढ़ाने का जो ये ऑब्सेशन है वो बहुत पुराना और बहुत गहरा है. प्लीज कम. तुम भी कुछ पूछ लो, टेक सम इंटरेस्ट. डॉक्टर, एक सवाल पूछना था. मैं सोच रहा था कि इतना एडवांस हो गया ये सब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस, तो क्या कोई तरीका है कि हम आदमी भी प्रेग्नेंट बन सकते हैं? बिल्कुल है. इनफैक्ट 2017 में यूके में एक मेल ने एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म दिया था, लेकिन एक्चुअली पहले वो फीमेल थी जिसकी ओवरीज और प्राइवेट पार्ट्स को रिमूव करने का प्रोसेस. नो, ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स एन अमेजिंग, थैंक यू. तो नर्स आपको बाकी सब डिटेल समझा देगी. हम आपको आपके नेक्स्ट साइकिल के लिए हार्मोन इंजेक्शंस पर रखेंगे, तो मेजर मूड स्विंग्स हो सकते हैं. लेट मी वार्न यू, ये प्रोसेस इमोशनली और फाइनेंशियली काफी ड्रेनिंग होता है, तो आप दोनों को रेडी रहना होगा. मिस्टर बत्रा, आपको सीमन सैंपल देने के लिए आना होगा. एंड दीप्ति, आई विल सी यू ऑन डे 2 ऑफ योर नेक्स्ट साइकिल. दिस इज योर्स. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बिग शॉट. हां बॉबी, मेरे 13,500 लगा दे. हां, इंडिया पे लगा दे. ओके. Direct hit, is it out? Shit! It's 344 for 4. बच्चों जैसा क्यों खेल रहा है राइडू? कॉल करो एक दूसरे को, रन आउट हो गए हो, कॉल तो करो, कम ऑन. ये राइडू कहाँ गया? Why? Why?
आज सैंपल देने जा रही हूँ, तुम्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि स्ट्रेस का स्पर्म पे क्या असर पड़ता है? यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? प्लीज बता, सेमीफाइनल चल रहा है, मेरे स्पर्म्स को भी देखना है। इनको तो अपसेट मत करो यार, अगर ये अपसेट होगा तो बच्चा वैसे ही नहीं होगा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है वरुण? बकवास बंद करो और जाओ जल्दी, अच्छे से करना। अच्छे से करूं? दही चीनी खिलवा दो, अच्छे से करूंगा। एग्जाम देने जा रहा हूँ, वैसे ही मैं परेशान हूँ, पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है मेरे साथ। प्लीज गो वरुण। दूसरा भी रन आउट हो गया। वरुण गोइंग गोइंग। गाड़ी में बैठ के फोन पे देखूंगा, कर लो क्या करना है। सारे रन आउट हो रहे हैं। मेरा अपॉइंटमेंट है। किस चीज का अपॉइंटमेंट था सर? सैंपल देना है। सॉरी सर, किस चीज का अपॉइंटमेंट था? आप नाम डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपका नाम? जी वरुण बत्रा। ओ आपको सीमन सैंपल देना था। अरे सर शर्माइए नहीं, ये सब वही देने आए हैं। एक सेकेंड, ये लीजिए डिब्बी, आप प्लीज वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। मैडम कोई प्लास्टिक की थैली है उसमें डाल दीजिए। सर प्लास्टिक इज बैंड। तो ये क्या लोहे का बना? मिस्टर पेडनेकर प्लीज कम। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने पेरेंट बनने का सपना किसी रिलायबल हाथों में सौंपना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे पास आइए। अगर आप ऊपर लगे टाइम क्लॉक को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऑलरेडी इस दुनिया में कितने हेल्दी बच्चों को ला चुके हैं। हमारे पास आपको एक चीज गारंटीड मिलेगी, गुड न्यूज। प्लीज हेल्प। मिस्टर बत्रा प्लीज कम, योर सुपर डीलक्स रूम इज नाउ रेडी। क्या बात है, सुपर डीलक्स? मैगजीन और डीवीडी रखी हुई है। सीरियसली मैं क्या 15 साल का हूँ? बेबी याद है तुम्हारे नानी की 13वीं के दिन जब नीचे सब शोक मना रहे थे, हम ऊपर क्या कर रहे थे? उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। नाउ इतना सोचो मत, जस्ट डू इट। अच्छा सुनो, मुझे हेल्प करो ना फोन पे, टॉक डर्टी टू मी। पागल हो गए हो क्या? स्टॉप बिहेविंग किड। कैटरीना को ही फोन दे दो। वरुण शट अप विल यू। Yeah.
it seems we are all ready to go. मेरी बात ध्यान से सुनो. In vitro fertilization का ये last procedure है embryo transfer. It is the most delicate and critically important procedure. पहले पढ़ के नहीं आ सकते थे. You understand? So this swelling on the outer lining, here, sir, is it normal? Yeah, it's absolutely normal. It could just be a reaction to the medication. Doctor, मुझे anesthesia दे दीजिए. मैं बेहोश होना चाहती हूँ. Relax, Mrs. Batra. मैं ये हजारों बार कर चुका. रिलैक्स. मेरी बात ध्यान से सुनिए. मैं चाहता हूँ कि आप सारे नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकाल दें, क्योंकि उसका असर एम्ब्रियो पे होता है. और अब मैं एक प्रेयर बोलूंगा. आप ध्यान से सुनिए और आंख बंद करके सारी पॉजिटिव एनर्जी को इस एम्ब्रियो में ट्रांसफर करें. Okay, तुम लोग ने ये दिया. ओ मदर ऑफ लाइफ. डॉक्टर साहब, हमें भी रिपीट करना है? नहीं, आप सिर्फ सुनिए. ओके. ओ मदर ऑफ लाइफ, ओ फादर ऑफ द यूनिवर्स, ब्लेस अस विद द गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड, विद द गिफ्ट ऑफ जनरेशंस, the gift of love. Congratulations. The procedure has been successfully conducted. 14 din ke baad hum pregnancy test karenge. Lekin tab tak aapko apna bahut khayal rakhna hoga. Remember, is embryo ka sabse bada dushman hai stress. To stress bilkul nahi lena hai. Aur expectation ko zyada nahi badhana hai. Agle 14 दिन का समय इस प्रोसीजर के लिए सबसे मुश्किल और क्रूशियल क्रूशियल समय है. सो बी एब्सोल्युटली काम. It feels so good to fall in love, but how I felt I'll never know. The way we kiss, the way we touch, for you my heart will ever glow. Baatein, baaton mein shaam hui raatein, khwabon ke naam hui taare, kahani bunte rahe. आंखें ये भोली भोली बोली, बोली ये कैसी बोली बैठे, दोनों सुनते रहे. ये चलती हवाएं ले जाए कहां, ये एक दूजे के जाने बिना, कब दो दिलों की हुई यारियां, दिल ना जाने दिल ना जाने दिल ना जाने दिल ना जाने दिल ना जाने
तख्त जोशी का फोन। पर अभी तो 12 दिन ही हुए। हेलो मिसेस बत्रा, क्या आप और आपके हस्बैंड एक छोटे से चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ सकते हैं? अभी वे लीविंग फॉर वर्क, सो टुमारो मे बी। नहीं, आप अभी आ जाइए, एक इमरजेंसी चेकअप करना है और डॉक्टर जोशी भी आपसे बात करना चाहते हैं। इमरजेंसी चेकअप? मुझे लगता है शायद इन्हें पता चल गया कि हम स्ट्रेस नहीं ले रहे, इसलिए बुला रहे। हमारे पास आपको एक चीज गारंटीड मिलेगी। हाँ, तो उसे संडे एडिशन गुड न्यूज़। अच्छा, आलिया के इंटरव्यू का क्या हुआ? ओके, एनीवे आई विल बी देयर बाय 3। या सी यू देन। एक तो इस कमर्शियल को देख कर ना पेरेंट बनने से विश्वास ही उठता। वेट कराना तो यार कम से कम वो ढंग का दिखा दो, जैसे कि लीथल वेपन दिखा दो, या किड्स हॉस्पिटल तो ठीक है, बेबीज डे आउट दिखा दो, कम से कम ये तो मत दिखाओ। देखो कैसे बेच रहा है वो। आ जाओ आ जाओ गुरदीप, केयरफुली केयरफुली केयरफुली। आ जाओ गुरदीप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से आ जाओ गुरदीप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गुरदीप, केयरफुली केयरफुली केयरफुली। प्रणाम मैडम जी। रख दे रख दे गुरदीप। ओ कहां चल गए भाई, इधर रखो यार, रख दे गुरदीप। ये सब क्या है सर? गिफ्ट है मैडम जी। नहीं मतलब ये अस्पताल थोड़ी है, ये भगवान का घर है मैडम जी। और आप लोग इंसान बनाते हो, हम जैसे गरीब लोगों के घरों में खुशियां लाते हो। आए आए आए, दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर, बट यहां गिफ्ट्स अलाउड नहीं है। भेंट? यस। नहीं, भगवान के मंदिर में भेंट भी अलाउड नहीं? नो। छोड़ो मैडम जी, नहीं नहीं जान दो। इन डब्बों में ना जी चंडीगढ़ की स्पेशल रेवड़ियां हैं, जो लोग यहां से खुशियां प्राप्त करेंगे ना मैडम जी, उनको आप एक एक डब्बा देती रहना जी हमारी तरफ से। और ये क्या, डायपर? ये भी दे देना जी उनको। कुछ नहीं है मैडम जी, छोटी छोटी टटियां स्पॉन्सर कर रहा हूँ जी। बच्चों को ना जी खुल खुल के करने दो। All right. वो टटियों के चक्कर में मैं भूल गया जी, आप लोगों ने हमें फोन क्यों किया? वैसे मैं तो शुक्र ही मनाता हूँ जी कि ये मेडिकल प्रॉब्लम दी मुझे भगवान ने। इसी के चक्कर में भगवान ने अपने घर में आने का मौका तो दिया। ओ वैसे मैडम जी, वो भगवान ने एक दवाई लिखी है, वो ना जी किसी को समझ नहीं आ रही। आइए बने, दवाई आगे लिखी है सर, ये तो डॉक्टर साहब पेन चेक कर रहे थे। कमाल है जी, भगवान की हैंडराइटिंग आगे पीछे सेम ही लग रही है मैडम जी। बच्चा हो गया जी, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। 12 दिनों में बच्चा कर दिया, कमाल कर दिया मैडम जी। हमारा नहीं हुआ है, किसी और की डिलीवरी होती देखी मैंने। हेलो, जोशी ने मुझे दिखाया। अच्छा, ये क्यूट सी बच्ची बिल्कुल मेरे सामने पे, छोटी सी। हाय बस माता रानी, हमें भी ऐसी क्यूट सी छोटी सी सोनी कुड़ी दे बस। चाहे बेटा भी हो गया ना, प्रॉप रूप पे आके अपने शौक पूरे कर लियो। वैसे हमें कोई फर्क नहीं है लड़का लड़की में मैडम जी, बस अपना होना चाहिए। इन्हें क्या जरूरत पड़ गई अपना वंश आगे बढ़ाने की, कुछ तो बिल्ली पाल ले। मिस्टर एंड मिसेस बत्रा? यस। You also Matras? Yeah. Wow, we also. Wow. तो किन वाले मतरों को बुलाई डॉक्टर साहब ने? आप चारों आइए। लगता है आज सभी बतराओं को एक साथ ही खुशखबरी मिल जाएगी। आज तो बतरा डे होने वाला है। Yes. Come. Sir, please come. आप बोलिए। Hello, hello, come. Hi, hi. Hello, please. Come. Varun and Deepti, please meet the other Batras. Myself, Ani Batra. And she's my dear wife, Monica Batra. And here is my card. Dr. Sir. Ji. आपका फोन आया था कोई अर्जेंट काम, क्योंकि मुझे अर्जेंटली जाना है ऑफिस। यस यस यस। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप आराम से बताइए, हम वेले ही हैं। जी सॉरी सर। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। देयर हैज आई मीन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, यूएस में कई केसेस ऐसे पहले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहली बार हुआ है। लेकिन हुआ क्या है डॉक्टर? हुआ ये है कि there has been a sperm mix up. Please. What do you mean by sperm mixer? In the kya mixer?
कैसा मिक्सर? डॉक्टर साहब हमें भी हिंदी में बताइए जी। हनी जी ऐसा है कि हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों के सीमेन स्पेसिमेन एक साथ प्रोसेस कर रहे थे एक ही टाइम पे, और क्योंकि आप दोनों के सरनेम बत्रा है तो वो मिक्सअप हो गया। फिर मिक्सर हो गया? उमर ही मुझे को बताएगा क्या हो रहा है? Are you kidding me? तुम ये कहना चाहते हो कि इनके पेट में इस गधे का स्पर्म है? ये क्या कह रहे हो जी? वो मुझे क्यों गधा कह रहे हो तुम? एक सेकंड, तुम सेकंड, मैं किसके बच्चे की माँ बनूँ? वो भैंस के यहाँ की चल क्या रहा है यहाँ पर? कोई मुझे हिंदी में बताएगा? मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। इन्होंने मेरा स्पर्म इनके वहाँ भेज दिया और आपका स्पर्म यहाँ इनके अंदर। मतलब हमारा फैदा मिक्स हो गया है? तो स्पैम यार, ये ऐसे कैसे मिक्स हो गया? नहीं मतलब ये कोई लगे थोड़ा सा जो बहन जी आपने मिक्स कर दिया। और तू डॉक्टर है क्या? है क्या है तू? प्लीज प्लीज मेंटेन डाउन, शट अप गाइस, आई एम गोइंग टू सू यू, वो तो छोड़ो, तुम मेरी बहन और मेरी जीजा को नहीं जानते। दे आर क्रिमिनल लॉज इन दिल्ली और ये एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। और तू जर्नलिस्ट छोड़ ना यार, मेरे चाचा जी हरियाणा के जो सीएम है उसके सगे ससुर है। मैं आप दोनों को ना ये स्पैम मिस करने के चक्कर में 15-15 साल अंदर करूंगा, मिनिमम 15 इयर्स। प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाइए। ये कोई मजाक है यार, क्या हो रहा है? ये कोई गाना है जो आपने रिमिक्स कर दिया? शांत हो जाइए। देखिए हम बहुत शर्मिंदा है, हमारे घर पे उस दिन बहुत सारे केसेस थे, हमारे टेक्नीशियन से गलती हो गई, वेरी सॉरी। देखिए सो सॉरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए हनी जी, तू बात मेरी ध्यान से सुन। ये जो आप लोगों ने बसुड़ी मचा रखी है ना, इसको अभी ठीक करो, अभी के अभी ठीक करो। मेरा स्पैम वापस करो बहन जी, डॉक्टर साहब मेरा फायदा वापस करो बस। हनी जी बस आप टेंशन मत लीजिए ना, आप लोगों को बस एक माइनर प्रोसीजर करवाना है ताकि इम्प्लांटेशन का कोई चांसेस ना हो, दैट्स इट। इम्प्लांटेशन? यार ये तेरा बंदा हिंदी क्यों नहीं बोलता? ये तो हिंदी क्यों नहीं बोलता है? प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होने का कोई चांसेस ना हो? एक मिनट, चांस ना हो? अगर ये प्रेग्नेंट हो गई हो तो फिर क्या होगा? जस्ट टेल मी दैट, तो फिर क्या होगा? तो टर्मिनेट कर सकते हैं, रेत के दाने जितना होता है, बस माइनर डीएनसी से हो जाएगा। डीएनसी जी? नहीं, दिल्ली नोएडा कॉर्पोरेशन ऑफिस में क्या करेगी मोनी? अबॉर्शन कर सकते हैं। अबॉर्शन जी? Are you very nuts or what? No, देखिए मिसेस बत्रा, आपके वैसे भी प्रेग्नेंट होने का चांसेस ना के बराबर है, बिकॉज योर ओवरीज आर वे ओल्डर देन योर एज। That's not right. I can't take this. That's the wrong door. तुमने कौन सा सही इंसान में डाल दिया था? मोनी, हमें रिफंड मिलेगा? मैं तो कहता हूँ ये टंटा बंद करो यार, नेचुरली बच्चा होता तो ठीक है, वरना वरना हम दोनों क्या काफी नहीं है एक दूसरे के लिए? माना कि पेरेंटहुड फुलफिलिंग होता है, पर रिस्ट्रिक्शन भी तो कितनी होती है। अभी हम चाहे तो कल साला हॉलीडे पर नहीं जा सकते बिना ये सोचे कि बेबी फूड की सप्लाई कहां से होगी, स्कूल से छुट्टी मिलेगी कि नहीं। बस निकल जाओ, टिकट बुक करो, जाओ। डू यू रियलाइज ये फ्रीडम प्राइसलेस है वरुण? I can't believe you're saying this. Good night, Varun. Good night. Light, Okay, no problem. Sure, that's good. हेलो जी, क्या सब ठीक है? दीपू, आई एम ओके।
बुरा सपना था। अब उठी गई तो सोच रही हूँ वॉक पे चली जाती हूँ। यू गो बैक टू स्लीप हनी। खिलाओ जी अब दोनों। गुड न्यूज़ आएगी।